हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस कैसे हैं आप लोग होपफुली अच्छे होंगे रिपब्लिक डे आपने सेलिब्रेट कर लिया सरस्वती पूजा आपने सेलिब्रेट कर लिया और अब जो है आपका प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक आ चुका है ठीक है तो अब अप कर लीजिए फॉर प्रीलिम्स अगर आप मेंस की तैयारी कर भी रहे हैं तो भी जो है अब थोड़ा सा आप अपना टाइम जो है वो डेडिकेट करें टुवर्ड्स प्रिलिम्स अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तब भी और अगर आपको सी सैट में प्रॉब्लम है तो दिस इज़ द राइट मोस्ट टाइम टू कंप्लीट सी सैट और आप बोल सकते हैं टू वर्क ऑन सी सैट क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही एक महीना और बीतेगा द मोमेंट यू एंटर इन फेबररी एंड ऑफ मार्च तो उस समय आपके पास जीएस एंड करेंट अफेयर्स का लोड जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा तो इसी कारण जो है दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क ऑन सी सैट जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे इस सी सैट प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू जो है आप सी सैट की तैयारी कर सकते हैं आप यहाँ पे कंसेप्ट भी देख सकते हैं और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि हमने इस सीरीज़ के द्वारा क्या किया है सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको यहाँ पर हमने कवर किया है अलॉन्ग विथ इट्स बेसिक लॉजिक या बेसिक कंसेप्ट जो बोलते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे सॉल्व किया है धीरे धीरे लोगों का बहुत सारा चैप्टर्स क्लियर हुआ है स्टार्टिंग में पमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को टफ लगता था अब उनका जो है उससे सुधरा है इस सीरीज के थ्रू तो आप जो है इस सीरीज़ को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप क्या करिए एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता है उसको पहले खुद अटैम्प्ट करने का कोशिश करिए अगर नहीं बनता है तो फिर जो है हम लोग उसको देखेंगे ठीक है तो माय नेम इज़ अंशुमन एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर आज का लेक्चर कौन सा है लेक्चर ट्वेंटी सिक्स तो अब देखिए क्या है हमने ऑलरेडी ये आपको बोल रखा है कि हम लोग वैसे क्वेश्चन लाते हैं जो कि सी सैट रेलिवेंट हो अब सी सैट में क्या होते हैं कुछ क्वेश्चन वैसे होते हैं जो कि आपके स्टेट सर्विस से भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी ठीक है स्टेट सर्विस हुआ या फिर आप बोलिएगा तो जैसे कैट का भी हमने क्वेश्चन देखा है क्योंकि कैट का लेवल जो है वो थोड़ा सा सी सैट से ज़्यादा होता है तो हमने उसके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया लेकिन जो आपके आसपास के अगर आपको कोई स्टेट सर्विस का पेपर मिलता है जैसे हमने बिहार का भी सॉल्व किया था हमने हरियाणा का भी सॉल्व किया था आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं दैट इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे एग्जाम होता है उसमें भी एक पेपर जो है वो सी सैट का जैसा ही होता है तो वहां पर कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं जिसको हमने लाए जिसको हमने आज लिया है यहां पर आप इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है आपको वीडियो पॉज करिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं एंड आर एग्जैक्टली ऑफ द लेवल ऑफ सी सैट इसी कारण मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है क्योंकि यहां पर क्या है कि देखिए सी सैट का लेवल जो है अगर उसके मैचिंग क्वेश्चन आप बनाते रहते हैं तो फिर आप एक कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि वहां पर भी मेरे से ये क्वेश्चन बन जाएगा या फिर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि पैटर्न जो है वो क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सेम ही होता है ठीक है तो आपको क्या करना है वीडियो को पॉज करिए एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको अटेम्प्ट करिए और फिर जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम योर टाइम फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉकिंग एट थ्री किलोमीटर पर आर पिंटू टू हिज स्कूल फाइव मिनट्स लेट ठीक है अगर थ्री किलोमीटर पर आर की स्पीड से पिंटू जो है वो जाता है अपने घर से स्कूल तो वो पाँच मिनट लेट पहुँचता है ठीक है इफ़ ही वॉक्स एट फोर किलोमीटर पर आर ही विल बी फाइव मिनट सहली द डिस्टेंस ऑफ पिंटूज स्कूल फ्राम हिज हाउस ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या है दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ठीक है आपको पता है एक चलिए हम लोग जल्दी से एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाए थे कि यहाँ पर क्या है कि पिंटू एक कैरेक्टर है जो कि अपने हाउस से यहाँ पर उसका हाउस है और ये जो है उसका स्कूल है ठीक है तो ये दो सिनेरियो दिया हुआ है एक बार वो मूव करता है थ्री किलोमीटर पर आर से और एक बार मूव करता है फोर किलोमीटर पर आवर से ठीक है अब जब वो थ्री किलोमीटर पर आवर से मूव करता है तो जो टाइम उसको लगना चाहिए यहाँ पर पहुँचने में ठीक है जनरली जो उसको टाइम लगता है उससे वो पाँच मिनट लेट पहुँचता है मतलब अगर हम लोग कॉमन टाइम मान ले टी ठीक है एक स्टैंडर्ड टाइम मान ले टी तो टी प्लस फाइव मिनट्स लगता है तो हम लोग यहां पे लिखते हैं जब थ्री किलोमीटर पर आर के स्पीड से वो जाता है तो इट हिम टी प्लस फाइव मिनट्स लेकिन यहां पर देखिए आपको स्पीड है दैट इज गिवन इन किलोमीटर पर आर देखिए स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दैट इज यूनिट यूनिट का ध्यान आप जरूर रखें और आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा दिया रहेगा जहां पर यूनिट्स डिफरेंट रहेंगे जैसे आपको स्पीड दे दिया है किलोमीटर पर आर में पर टाइम का जो डिफरेंस दिया है दैट इज इन मिनट्स तो आपको क्या करना पड़ेगा मिनट को आर में चेंज करना होगा तो फाइव मिनट्स को आप आर में कैसे चेंज करेंगे आपको पता है वन मिनट जो आपको है एक आर में कितना होता है सिक्सटी मिनट्स तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा फाइव को अगर आप सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इन टू आर तो यानी आपको लगता है अगर आप इसको जो है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितना लगता है टी प्लस वन बाई ट्वेल्व आर्स ठीक है ये जो है इसको लगता है अगर वो थ्री किलोमीटर पर आर के स्पीड से जाता है तो अगर वो फोर किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है तो फाइव मिनट अर्ली पहुंच जाता है यानी उसको टाइम कितना लगता है हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट टी लगता है नॉर्मली लेकिन कितना लग रहा है अगर वो फोर किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है तो आपका हो गया टी माइनस वन बाई ट्वेल्व यहां पे माइनस क्यों हो गया क्योंकि टाइम जो था जो एक्चुअली लगता था उससे उसको पांच मिनट कम लग रहा है तो इसी कारण हमने माइनस कर दिया अब देखिए दोनों केस में जो है वो डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है यही डिस्टेंस डी ठीक है और डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका स्पीड इन टाइम तो आप कर दीजिए पहले हम लोग लिख रहे हैं थ्री इंटू टी प्लस वन बाई ट्वेल्व और ये किसके बराबर है दूसरे केस में भी सेम ही है फोर किलोमीटर पर आर के स्पीड से जा रहा है लेकिन टाइम कितना लग रहा है टी माइनस वन बाई ट्वेल्व आप करेंगे फोर इंटू टी माइनस वन बाय ट्वेल्व बस इसको सॉल्व कर दीजिए आपका टी का वैल्यू आ जाएगा उसके बाद आपको क्या निकालना है आपको डिस्टेंस डिस्टेंस निकालना है तो आप किसी में भी पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा तो चलिए पहले टी निकालते हैं तो यहां पर हो गया आपका थ्री टी प्लस थ्री बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर टी माइनस फोर बाई ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ पर t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा इट विल बी सेवन बाई ट्वेल्व आपका आ गया टाइम जो है वो लगता है सेवन बाई ट्वेल्व आज नॉर्मली ठीक है अब जो है आपको बताना है आपको किसी किसी में भी पुट कर दीजिए आपको डिस्टेंस निकालना है अगर आप चाहें तो इसमें ही पुट कर दें चाहे तो इसमें ही पुट कर दें सेम डिस्टेंस आएगा आपको क्योंकि दोनों के केस में स्पीड इंटू टाइम ही है तो अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू टी की जगह आप लिखेंगे सेवन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेल्व तो आपका कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए ट्वेल्व एंड दिस इज एट दिस इज एट एंड दिस इज थ्री इंटू तो थ्री फोर जै ट्वेल्व एंड फोर टू जै एट तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन बी ठीक है तो बी टू किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको सी सैट में भी देखने को मिलेगा देखिए स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट नहीं आता है लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि कैसे टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है या इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है इक्वेशंस बना पाएं और जो है अगर आप कोई कोई अनोन क्वान्टिटी जैसे यहाँ पर टी था उसको आप निकाल लें और उसके बाद जो है आप आंसर ले आए ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 800 हंड्रेड परसेंट ठीक है एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई थ्री हंड्रेड परसेंट द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज नाइन बाई सेवन वॉट वॉज दी ओरिजिनल फ्रैक्शन देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत ही आप बोल सकते हैं अगेन दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन और यहाँ पर क्या है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज है लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है जिसके वजह से इसका आंसर गलत आ सकता है और आपको डेफिनेटली मैं बताता हूँ कि एग्जाम में आपको गलत आंसर ऑप्शन में ज़रूर दिया हुआ रहेगा ठीक है चलिए तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कोई एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर को अगर हम लोग 800 परसेंट बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग 300 परसेंट बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो 9 बाई सेवन के बराबर होता है तो हम लोग ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं ए बाई बी चलिए ओरिजिनली जो था ये ए बाई बी था अब आप न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाला पार्ट डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला पार्ट अगर आप ए को एट से इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है 800 परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं और बी को जो है आप थ्री हंड्रेड परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है तो एट हंड्रेड परसेंट से अगर आप किसी भी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ जैसे मैं आपको बोलूं कि आपका एक क्वांटिटी एक्स है उसको आप हंड्रेड परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं मतलब एक्स खुद में हंड्रेड परसेंट है और इसी का हंड्रेड परसेंट अगर आप इसको इंक्रीज करें तो बेसिकली आप एक्स में और एक एक्स जोड़ रहे हैं तो वो बन गया टू एक्स ठीक है तो फाइनल क्वांटिटी बन गया 2x आपने इंक्रीज कितना किया x ही क्योंकि आप 100 परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं अगर मैं आपको बोलता कि x को आप 200 परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं x में 2x जोड़ रहे हैं तो आपका कितना फाइनली बन गया 3x तो वैसे ही अगर आप किसी को अगर एट टाइम्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिकली ए में आप क्या जोड़ रहे हैं एट तो आपका न्यूमरेटर क्या बन गया नाइन अब बन गया नया न्यूमरेटर नाइन ए ए प्लस ठीक है बी को अगर आप बोलेंगे तो बी क्या है बी में अगर आप हंड्रेड थ्री हंड्रेड परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं मतलब बी में आप थ्री बी जोड़ रहे हैं तो आपका फाइनली क्या हो गया जाएगा आपका बन जाएगा फोर बी ठीक है तो और ये किसके बराबर आपका दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू नाइन बाई सेवन अब इसको आप कैंसिल आउट करिए तो आपका क्या बचा ए ए बाई बी विल बी इक्वल टू फोर बाई सेवन तो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो क्या था फोर बाई सेवन तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अब देखिए गलती कहाँ पर होता है ये क्वेश्चन काफी सिंपल था लेकिन गलती कहाँ पर होता है कि आपको एट हंड्रेड परसेंट से इंक्रीज करने बोला जा रहा है अब बहुत लोग क्या होंगे कि इंक्रीज करने की जगह वो क्या करेंगे वो डायरेक्टली एट ए लिख देंगे ठीक है और b की जगह वो थ्री बी लिख देंगे ठीक है तो आपने एक्चुअली जब आप एट ए लिख रहे हैं तो ऐसा आप, आपने एट टाइम्स जो है उसको इंक्रीज कर दिया लेकिन आप जो जब आपको बात कराए कि इज इंक्रीज बाई एट हंड्रेड परसेंट तो आपको समझना पड़ेगा इसके बीच में डिफरेंस ठीक है तो आपको ये इस तरह का गलती आप नहीं कर सकते आप कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको ध्यान रखना है आप ऐसा नहीं है कि आप एट टाइम्स ए बना दे रहे हैं आप उसमें बेसिकली अगर आप एट टाइम्स ए बना रहे हैं तो मतलब उसको आप कितना कर रहे हैं सेवन हंड्रेड परसेंट इंक्रीज करें तभी जाके वो एट टाइम्स ए बन जाएगा लेकिन यहां पर आप क्या करें एट हंड्रेड परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं मतलब आप ए में एट ए जोड़ रहे हैं तो इस तरह का गलती जो है आप परसेंटेज में नहीं किया करिए अगर आप देखिए इसको अगर हम लेके सॉल्व करते हैं एट ए बाई थ्री बी तो ये आपको कितने के बराबर दे देगा अगर आपका नाइन बाई सेवन है तो ये हो जाएगा आपका ए बाई बी विल बी इक्वल टू ए आपका नाइन्थ इज ऑ ट्वेंटी सेवन एंड सेवन एट फिफ्टी सिक्स देखिए आपके एक ऑप्शन में दिया हुआ था ऑप्शन डी में तो इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है आपसे जो है मार्क्स गलती करा सकता है और जनरली जो जिनको मैथ्स में परसेंटेज में इन सब में थोड़ा सा इश्यूज़ आता है उनको जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको सजग रहना है क्योंकि सी सैट आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन में गलती करवाएगी बहुत टफ क्वेश्चन में नहीं, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन में कि जो है आपको बोल देगा कि सिंपली आपको जैसे एट हंड्रेड परसेंट थ्री हंड्रेड परसेंट सब चीज़ों को परसेंटेज ऑपरेशन पर जो है आपसे गलती करा सकता है ठीक है तो मेरा मकसद इसी था कि आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में कि देखिए जनरली आपको ऑप्शंस में गलत ऑप्शन भी दिया रहेगा तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको 800% से इंक्रीज किया जा रहा है मतलब आप ए में 800% ऑफ ए ऐड कर रहे हैं मतलब कितना हो गया आपका एट ए एड कर रहे हैं तो आपका फाइनली बन गया नाइन ए सेम वैसे ही बी में हम लोग क्या कर रहे हैं बी में हम लोग 300% ऑफ बी ऐड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं थ्री बी रहे हैं तो वो बन गया फोर बी तो नाइन ए बाई फोर बी को हमने इक्वेट किया और हमारा आंसर आ गया फोर बाई सेवन ठीक है चलिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अगेन दिस इज अ लेवल ऑफ सी सैट सी सैट में 2020 में या 2019 में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ठीक है decimal, आपको एक क्विक रिव्यू दे देते हैं कि डेसिमल्स को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं देखिए डेसिमल्स में दो तरीके के डेसिमल्स हम लोग देखते हैं एक तो होता है टर्मिनेटिंग एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ कि डेसिमल प्लेस के बाद आप एक फाइनाइट टर्म तक जाते हैं जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल बोलूँ जैसे जीरो uh, ठीक है जीरो पॉइंट तो ये सारे जो हैं दीज आल और रेक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद देख रहे हैं आप एक डेसिमल प्लेस तक जा रहे हैं ठीक है या दो डेसिमल प्लेस तक भी जा सकते हैं जितने भी डेसिमल प्लेस तक जाएं लेकिन दैट इज फिक्स्ड और वो जाके एक बार के बाद खत्म हो जाते हैं तो दीज आर कॉल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं दो टाइप के होते हैं एक होते हैं रिपीटिंग जिसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं तो रेकरिंग बोल देते हैं रेकरिंग एंड वन इज नॉन रेकरिंग ठीक है तो रेकरिंग में क्या होता है कि आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल वन बाई थ्री को आप कैसे लिखते हैं वन बाई थ्री का अगर आप डेसिमल लिखेंगे तो दैट इज पॉइंट थ्री 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 अब टू इनफाइट टर्म्स लेकिन ये देख रहे हैं कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रेकर हो रहा है मतलब थ्री जो है वो रिपीट कर रहा है लेकिन वैसे कुछ होता है कि जो कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं जैसे पाई का वैल्यू पाई का वैल्यू क्या होता है थ्री पॉइंट वन फोर एंड समथिंग आगे तक आप जाएंगे तो हर बार डिफरेंट आएगा एक तो वो एंड नहीं कर रहा है दूसरा उसका कोई पैटर्न भी नहीं है कोई मतलब चीज रिपीट भी नहीं कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग अब यहां पर बात आती है कि आपको यहां पर देख रहे हैं एक्स इज गिवेन एज वन पॉइंट टू फोर टू फोर टू फोर तो या आप बताइए क्या ये किस तरह का डेसिमल है दिस इज अ दिस इज अर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग लेकिन यहां पर रेकरिंग क्या हो रहा है आपका टू फोर टू फोर टू फोर जो है वो रिपीट कर रहा है तो हम लोग जनरली जो है ऐसे डेसिमल्स को कैसे लिख देते हैं जो रिपीटिंग पार्ट है उसके ऊपर लिख देते हैं बार क्योंकि ये जो है रिपीट कर रहा है ठीक है अब आपको पता है कि यहाँ पे जो डेसिमल्स होते हैं डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं ये बेसिकली रैशनल नंबर ही होते हैं क्योंकि आप इनको देखते हैं आप इस डेसिमल्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जो रैशनल नंबर क्या होता है वैसा नंबर जिसको आप बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाइए ठीक है वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यहां पर अगर आप पॉइंट फोर को आप लिखते हैं तो कितना हो फोर बाई टेन यानी आप लिखते हैं टू बाई फाइव तो ये हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ठीक है वैसे ही आप जो है किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो डेफिनेटली आप पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख देंगे लेकिन आप नॉन-टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है उसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं इसी कारण हम लोग जो है इ रैशनल नंबर इनको बोलते हैं इसको आप कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाइए आप ट्राई करके देख सकते हैं चाहे वो पाई हो या दूसरा जो इरेशनल नंबर्स है उसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे ठीक है तो वैसे नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर अब यहाँ पे मैंने आपको बैकग्राउंड कंसेप्ट बता दिया अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कि आपको दिया हुआ है एक्स इज गिवन एज वन पॉइंट टू फोर टू फोर टू फोर और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है इसको आपको कन्वर्ट करना है इन p बाई क्यू फॉर्म ठीक है वेर p वहां पे लिखा हुआ है कि p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक है और नो कॉमन फैक्टर मतलब ये इनके लोएस्ट रेशियो में मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है मतलब आप बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो में जो है ये आ, के फॉर्म में है और आपको बताना है उस केस में कि p प्लस क्यू का आंसर क्या होगा p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है देखिए कैसे बनाते हैं अब यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल तो इस तरह के डेसिमल्स को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बहुत अच्छा तरीका है इसका बहुत बेसिक सा तरीका है बिल्कुल कंसेप्ट से बनाते हैं ऐसे शॉर्टकट्स भी है लेकिन आप कंसेप्ट से बढ़िए देखिए एक्स इज़ गिवेन एज वन पॉइंट टू फोर टू फोर टू फोर इन्फाइट चलते जा रहा है ठीक है वन पॉइंट टू फोर टू फोर अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं इसमें हंड्रेड मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसमें हंड्रेड मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड तो आपका लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड बन जाएगा हंड्रेड एक्स ठीक है और आपका राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा वन टू फोर क्योंकि आपका दो डिजिट जो है डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा और उसके बाद फिर से बचेगा टू फोर टू फोर टू फोर है तो आप देख रहे हैं कि अब x बराबर है 1.242424 और 100x बराबर है 124.242424 ठीक है तो आप क्या करिएगा कि ये इक्वेशन टू है और ये इक्वेशन वन है अगर आप टू में वन को माइनस करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 99x और यहां पर क्या आ जाएगा आप देखिएगा कि यहां पर आ जाएगा 124 ट्वेंटी फोर माइनस वन दैट इज वन और डेसिमल के बाद इसके भी 2424 फोर टू फोर है इसके भी 2424 फोर टू फोर है तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए तो यानी डेसिमल के बाद आपका कोई भी पार्ट नहीं बचा तो आपने डेसिमल एलिमिनेट कर दिया तो मेरा यहां पे मोटो क्या था कि आपको डेसिमल हटाना है

बाई नाइनटी नाइन तो आपको देखें कि आपको स्टार्टिंग आपने एक्स किया एक्स को एज ए वन पॉइंट टू फोर टू फोर लेके आपको फाइनली जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में मिल गया तो यहां पर पी क्या है पी इज वन ट्वेंटी थ्री एंड क्यू इज नाइन्टी नाइन तो जल्दी से बताइए इनका जो है सम क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू पूछा जा रहा है तो वन ट्वेंटी थ्री प्लस नाइन्टी नाइन इज टू 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 तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन सी बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं अगर आपका रिपीटिंग पैटर्न कुछ होता जैसे यहाँ पर दो डिजिट रिपीटिंग पैटर्न अगर सिर्फ एक एक डिजिट रिपीट करता तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर हंड्रेड से नहीं मल्टीप्लाई करके हम लोग टेन से मल्टीप्लाई करते अगर थ्री डिजिट रिपीट कर रहा है डेसिसमल के बाद तो हम लोग वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते तो इस तरह का लॉजिक आप लगा सकते हैं दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स इंटू पी बाय क्यू फॉर्म इंटू अ रैशनल फॉर्म ठीक है, है? चलिए बढ़ते हैं आगे अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज एंड दिस इज़ अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो कि रीसेंट टाइम्स में सी सैट में भी पूछे गए हैं कुछ भी नहीं है बस नंबर है आपको पता है सर्ड्स इसको बोलते हैं इसको नाइन्थ क्लास, है, क्लास में पढ़ा जाता है दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ नाइन्थ क्लास बस आपको क्या करना है पावर्स अरेंज करना है पावर का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वैन यू मल्टीप्लाई जब आपका बेस सेम है और अगर आप उस दो पावर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में पावर क्या होता है सम अप हो जाता है ठीक है इस तरह की चीजों को या डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो है पावर्स जो है वो माइनस हो जाता है बस इस कुछ बेसिक कंसेप्ट है एप्लीकेशन है जिसपे बेस ये क्वेश्चन है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एट रेज टू दावर पावर पॉइंट वन इंटू फोर रेस टू दावर टू पॉइंट सेवन इंटू टू रेस टू दावर थ्री पॉइंट थ्री इज इक्वल टू टू ठीक है इज इक्वल टू टू दिया हुआ है तो आपको बताना है कि इस पे अच्छा टू पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है मतलब टू पर जो है पावर दैट इज़ क्वेश्चन मार्क तो आपको बताना है कि ये पावर कितना है ये क्वेश्चन मार्क जो है ये पावर कितना है तो आपको बेसिकली इन पर जो है कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा चलिए हम लोग करते हैं देखिए जब भी आपको पावर्स गेम में करना है तो आपको बेस सेम करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए बेस इज एट यहाँ पर बेस इज़ फोर एंड यहाँ पर बेस इज़ टू लेकिन आपको पता है कि एट इज़ अ आपको पता है टू का ही जो है बेसिकली पावर रेस करेंगे टू रेस टू दि पावर हम लोग एट को कैसे लिख सकते हैं टू रेस टू द पावर थ्री लिख सकते हैं और इस पर पावर आ जाएगा वन प्लस पॉइंट वन ठीक है इन टू फोर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग करते हैं टू स्क्वायर रेस टू दावर टू पॉइंट सेवन और यहाँ पर कितना हो गया टू रेस टू द पावर थ्री पॉइंट थ्री ठीक है और ये जो है आपका हमें जो है निकालना है कि यही कितना पावर आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड भी आपका बेस जो है वो टू है अगर यहां पर आपका राइट हैंड साइड बेस फोर दे देता तो आपको फोर के टर्म्स में जो है सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता ठीक है लेकिन यहां पर आपको टू दिया हुआ है तो हमने बेसिस सेम कर दिया आप देखिए टू तो दी पावर थ्री रेस्ट टू तो दावर वन, वन. तो जब भी ऐसा रहता है तो इस केस में क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपका क्या बन जाएगा दिस विल बिकम टू रेस्ट टू दावर थ्री पॉइंट थ्री वैसे ही अगर आप टू स्क्वायर रेस्ट टू दावर टू पॉइंट सेवन तो टू रेस्ट टू दावर कितना हो जाएगा टू पॉइंट सेवन इंटू टू दैट इज फाइव पॉइंट फोर ठीक है और अगर आप यहां करेंगे दैट इज टू रेस्ट टू दावर थ्री पॉइंट थ्री चलिए एड करिए थ्री पॉइंट थ्री प्लस थ्री पॉइंट थ्री इज सिक्स एंड सिक्स पॉइंट सिक्स प्लस फाइव पॉइंट फोर इज आपका सेवन फाइव यानी ट्वेल्व तो आपका कितना बन गया दिस विल बिकम टू रेस्ट टू दावर ट्वेल्व यानी और ये जो है टू रेस्ट टू पावर क्वेश्चन मार्क के बराबर था तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ट्वेल्व तो आपका सही ऑप्शन कौन सा यहां पे ऑप्शन ए बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक्स था लेकिन आपको पता है सी सैट भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछता है ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग कोडिंग और ये जो है ट्वेंटी का क्वेश्चन है सी सैट का ही क्वेश्चन है ये चलिए एक बार कर लेते हैं क्विक रिविजन भी हो जाएगा हमें जो है लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करते रहना चाहिए ठीक है यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज एल बी एस आई डी एन जेड यू एच डी आर हाउ इज केमिस्ट्री रिटर्न इन दी कोड लैंग्वेज देखिए कोडिंग और डिकोडिंग जो है इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं या इस तरह का जो क्वेश्चन आता है इसमें सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दे देगा कि मैथेमेटिक्स इज कोड इज एज समथिंग ठीक है तो आपको इसके बीच का रिलेशन निकालना है और उसी रिलेशन को जो है केमिस्ट्री पे अप्लाई करना है बस ठीक है तो अब देखिए मैथमेटिक्स को आप जोड़िए कि कैसे जो है जिसे एम लेटर्स का रिलेशन देखिए एम के जगह जो है यहाँ पर लिख दिया गया है कोड इट इज़ एल मतलब अगर आप अल्फाबेट्स के ऑर्डर में देखेंगे तो एल एम एन होता है तो मतलब एक पीछे चला गया एम के एक पीछे चला गया ए को देखें तो ए से एक आगे चला गया बी टी से एस टी एक पीछे चला गया तो मतलब आप समझ रहे हैं एक पीछे है एक आगे है एक पीछे है एक आगे है तो हम लोग क्योंकि सिंपली केमिस्ट्री में वही कंसेप्ट लगाना है सी एच ई एम आई एस टी आर वाई सबसे पहले क्या करना है इसके पीछे वाला लेटर बताइए इसके पीछे वाला लेटर कौन सा हो जाएगा बी एच के क्या बताना है आपको आगे वाला लेटर तो ये हो गया एच आई ई के पहले वाला लेटर वो कितना हो गया डी एम के आगे वाला लेटर तो वो क्या हो जाएगा एन ठीक है तो इसी में देखिए आपका ऑप्शन कोई निकल के आ जाएगा कौन सा है ज़्यादा आपको जाने का जरूरत नहीं है बी आई डी आई आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है बी आई डी एन एच आगे आपको चेक करने का जरूरत भी नहीं क्योंकि बाकी ऑप्शन आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज अजियर क्वेश्चन जो कि सी सैट ट्वेंटी में पूछा गया और आपको कोडिंग डिकोडिंग या इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है अगर आप कुल मिला के अगर आप 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाते हैं या 25 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाते हैं ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग तो आप जो है इस सारे क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है दिस आर ऑल वेरी इजी पिकिंग और ये सब जो है आपको बनाना चाहिए एग्जाम में क्योंकि ये सब आपको ईजिल फेच करते हैं टू मार्क्स ठीक है तो आज हमने प्रैक्टिस किया कुछ अच्छा क्वेश्चंस जो कि स्टेट पीसीएस में है आपको पता है हमारा मोटिव यही है कि दिल एग्जाम तक आपको जो है इस तरह से तैयार कर देना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए और आप सी सैट बहुत इजीली सेल थ्रू कर जाएं ये आपका बैरियर नहीं बने आपके प्रिलम्स क्वालिफाई करने में ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू